जान लेते थे खड़े मैदान में क्रॉस करते हुए। মাঠের পুরো প্রান্তে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না আলিবাবা এফসি টিমের ফরওয়ার্ড, আর পশ্চিম প্রান্তে তাম্বচালা মঞ্চের সামনে চন্দ্রকা পাটিল জাতীয় মহিলার আলিবাবা এফসি, আর চন্দ্রশ পাটিল তাম্বচালা। बहुत ही छोटा अवसर काम करता है टीम का क्रॉस पर फुल टकरा कर मैदान की ओर आए, अगर थोड़ा बहुत भी अगर पार हो जाते लेकिन से तो जो हमारे एक्सीडेंट अभी सरकार शायद बिल्कुल कॉर्नर फ्लैग में मौजूद था, पोजिशन भी कोई खराब नहीं था, अच्छी पोजिशन को उन्होंने मेंटेन किए थे। अभी भी हमारे इस प्रोग्राम में सारा ट्रॉफी 2023 में सोरेन सांचर यूट्यूब चैनल भी जुड़ चुके हैं, मैं तो हमारे कमेटी परिवार को से ताहे दिल से मैं को स्वागत करता हूँ। तो अलीबाबा एफसी जहाँ तक बात कीजिए टीम में पश्चिम सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के सभी शार्पर का भरमार है, चैमेसा लीग के सभी शार्पर का भरमार है टीम में। और जहाँ तक बात कीजिए काफी सारे खिलाड़ी डिस्ट्रिक्ट भी खेल चुके हैं, वहीं अगर बात कीजिए तांगो चाली टीम में जमशेदपुर लीग से जुड़ा हुआ खिलाड़ी टीम में मौजूद है, जो हमारे मानगढ़ डिमना कोटपुरा एरिए की खिलाड़ी टीम में शामिल है। विकास क्लब बड़ौन के कुछ प्रोडक्ट टीम में नजर आ रहे हैं। अलीबाबा एफसी टीम में सूरज बिरुली गोलकीपर है, राज कलंडी है चारों बजे में, जगन्नाथ तीयू का जिसमें संजय नायक आठ नंबर जिसमें, मनीष हेमरम का जिसमें छः, गोविंद कलोडिया ग्यारह नंबर के जिसमें सबसे अनुभवी खिलाड़ी सबसे मजबूत खिलाड़ी है, तिमेन नरेंद्र बोईपाई नौ नंबर जिसमें, जमादर कलोडिया जसवंत पार। माठे पूर्व प्रांत अपना देखते बादशाह ना अलीबाबा एफसी टीम फॉरवर्ड, और पश्चिम प्रांत तांगोचाला मंचे सामने चंद्रका पाटिल जाटी मोलर का अलीबाबा एफसी, और चंद्रश पाटिल तांगोचाला। बहुत ही छोटा अवसर तांगोचाला टीम का क्रॉस पर फुल टकरा कर मैदान की ओर आए, अगर थोड़ा बहुत भी अगर पार हो जाते लेकिन से तो जो हमारे एक्सीडेंट अभी सरकार शायद बिल्कुल कॉर्नर फ्लैग में मौजूद था, पोजिशन भी कोई खराब नहीं था, अच्छी पोजिशन को उन्होंने मेंटेन किए थे। अभी भी हमारे इस प्रोग्राम में सारा ट्रॉफी 2023 में सोरेन सांचर यूट्यूब चैनल भी जुड़ चुके हैं, मैं तो हमारे कमेटी परिवार को से ताहे दिल से मैं को स्वागत करता हूँ। तो अलीबाबा एफसी जहाँ तक बात कीजिए टीम में पश्चिम सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट के सभी शार्पर का भरमार है, चैमेसा लीग के सभी शार्पर का भरमार है टीम में। और जहाँ तक बात कीजिए काफी सारे खिलाड़ी डिस्ट्रिक्ट भी खेल चुके हैं, वहीं अगर बात कीजिए तांगो चाली टीम में जमशेदपुर लीग से जुड़ा हुआ खिलाड़ी टीम में मौजूद है, जो हमारे मानगढ़ डिमना कोटपुरा एरिए की खिलाड़ी टीम में शामिल है। विकास क्लब बड़ौन के कुछ प्रोडक्ट टीम में नजर आ रहे हैं। अलीबाबा एफसी टीम में सूरज बिरुली गोलकीपर है, राज कलंडी है चार नंबर जिसमें,
जगन्नाथ तीहू का जिसमें दो संजय नायक आठ नंबर जिसमें मनीष हेमरम का जिसमें छः गोविंद कलोडिया ग्यारह नंबर के जिसमें सबसे अनुभवी खिलाड़ी सबसे मजबूत खिलाड़ी है तिमेन नरेंद्र बोईपाई नौ नंबर जिसमें जमादर कलोडिया जिसमें आगे मोहम्मद जो हमारे मेडिकल सेंटर में है तो सवाल इस बात का एक अच्छा मौका था लेकिन अच्छी बजाव पर गुरु बस संजय के द्वारा
चौथा मैच है अली बाबा एफ सी बनाम टांगो चाली के बीच खेला जा रहा है, जबकि टांगो चाली 1-0 की बढ़त बनाकर मैच में बने हुए हैं, जबकि अली बाबा एफ सी 1-0 से पिछड़ता हुआ इस मठांतर के बाद प्रयास जरूर होगा। अली बाबा एफ सी टीम की अनुक्षमता और ताकत है टीम में बराबरी करने की उस बचे हुए समय में। यहाँ पे अली बाबा एफ सी को और ये दूर से मारने की कोशिश, अच्छी हेडर से बचाव वहां पे। एक बार आमंत्रण करना चाहूंगा जो दूसरा चक्र का पहला मैच होगा शांति बॉयज क्लब बनाम गोवा एफसी। इन दोनों टीमों के टीम कप्तान और टीम मैनेजर से गुजारिश करना चाहूंगा, समिति के धन्यवाद देना चाहूंगा जो जमते जूते पूरी क्राउड एरिया में बड़े पैमाने पर जीते, वो भी अनुशासन के रूप में आज को समापन करते हैं। Thank you.
टूर्नामेंट में कीर्तिमान स्थापित किया है, जबकि सरना ट्रॉफी 2023 में उनको इस बार मौका दिया गया है। यह देखना होगा अपने अनुभवी को तो कहां तक दर्शा पाते हैं। खेला जा रहा है, जबकि तागो चाली एक शून्य की बढ़त बनाकर टीम में कब्जा जमाए हुए हैं, जबकि अलीबाबा एफसी एक शून्य से पिछड़ता हुआ, लेकिन बराबरी करने की वो क्षमता है, वो ताकत है। अलीबाबा एफसी टीम की अगर बात करें तो युवा और उभरता हुआ खिलाड़ियों का समावेश है। तागो चाली की अगर बात करें तो अनुभवी खिलाड़ियों का समावेश है, तो कहीं ना कहीं भेज जा करना चाहूंगा
इसीलिए मैं सभी खेल प्रेमियों से आग्रह करना चाहूंगा 40 मिनट का गेम है ना, उतना लंबा थोड़ी जाने का। घोषणा आप जाए करें तालियों बजा के, और जमशेदपुर जैसे क्राउड एरिया में सबसे बड़ा फुटबॉल सुरमा ट्रॉफी, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आयोजक समिति को। पानी आ रहा था इधर हमारे साथ साथी कमेंटेटर है, मैं होपना जी से आग्रह करना चाहूंगा, देश भर से दर्शक आपका सुरीली आवाजों का इंतजार कर रहे थे कि आप अपना सुरीली आवाजों से आपको धक्का हम सुनाए। प्लेंटी हो गया फाइट में, वो क्या श्री श्री